PSP कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, जो कि आपके कंपलसरी एग्जाम के लिए तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान एकीकरण शुरू करने से पहले हम कुछ बातें भारत के एकीकरण की बात करते हैं। भारत का निर्माण 565 रियासतों को मिलकर के हुआ है, जिसमें तीन ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, जिसमें पहली कश्मीर, दूसरी जूनागढ़ जो कि गुजरात में स्थित है, तीसरी हैदराबाद। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत है। अगर हम रियासती विभागों की बात करें तो रियासती विभाग के जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन, और अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, जैसे कि हमने पहले देखा है, और भारत की सबसे छोटी जो रियासत है वो है बिलावरी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ये हमने भारत के एकीकरण की बात करी। अब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा था, जो कि 7 चरणों के अंदर विभक्त है। राजस्थान की अगर सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो वो मारवाड़ रियासत है। छोटी रियासत की बात की जाए तो वह शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, जिसे हम उदयपुर बोलते हैं। नवीन रियासत झालावाड़ है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो रियासत है वो है जयपुर। राजस्थान एकीकरण के समय 19 रियासत, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों में कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, निमराणा अलवर में स्थित है, और लावा जयपुर में स्थित है। 19 रियासतों में 2 रियासतें जाट रियासत थी, जो कि धौलपुर व भरतपुर है, तथा 1 मुस्लिम रियासत थी जो कि टोंक है। 1 केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़, जो कि सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था। इसके मुख्यमंत्री जो थे वो हरिभाव उपाध्याय थे, जिन्हें बद्रीनाथ भी कहा जाता था। वहीं लोग उन्हें प्रेम से दास साहब के नाम से भी जानते थे। यह धारा सभा के अध्यक्ष थे, जो कि 30 सदस्यों से मिलकर के बनी हुई थी। यह हमने राजस्थान का सामान्य एकीकरण पढ़ा है। इसके पूरे 7 चरणों के बारे में हम विस्तृत जानकारी देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।